हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को आप अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके बाद से इसका लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लिंक है, इस पर हमें क्लिक कर देंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक होने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद से एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर इनेबल हो जाएगा बटन और इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर IDM से डाउनलोड हो जाएगा। IDM से बहुत जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। तो अगर आपने IDM को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, इसे आप इस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे यह मेरे डेस्कटॉप पे मैंने इसको exe फाइल को रख लिया है। अब इसको एक्सट्रैक्ट आपको कर लेना है अगर आपका zip फाइल है तो। इसके बाद इससे पहले हम JDK को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जावा JDK को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो उसका भी आप उसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे 64 बिट का मेरा लैपटॉप है, तो यहाँ से 64 बिट वाला यहाँ पर आएँगे लास्ट में और इस पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इसे IDM से डाउनलोड कर लिया। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो ये रहा मेरा exe फाइल, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जावा JDK को डाउनलोड कर लिया और इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद एक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारा जावा है, यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, अगेन नेक्स्ट और यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक हो जाने के बाद अभी हमारा जो जावा है, यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से CMD को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जावा सी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी इसका जावा का जो पाथ है यहाँ से सेट नहीं किया है। तो पहले हम यहाँ से जावा का पाथ सेट करेंगे। तो जावा का पाथ सेट करने के लिए आपको इससे पहले हम कट कर देते हैं। यहाँ पे दिस PC पे जाएंगे और यहाँ पर लोकल डिस्क सी में, फिर यहाँ पर आपको आना है प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ पर JDK होगा, तो इस पर हमें ओके कर लेंगे। इसके ओके कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे जो बिन तक का जो फाइल है, यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे से कॉपी कर लेना है इसके पाथ को और यहाँ पे दिस PC पे राइट क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल में और ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, आपको आना सिस्टम वेरिएबल में, यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर न्यू यहाँ पर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम जावा होम, जावा _home। और जो पाथ मैंने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है पाथ में, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जावा होम / और बिन कर देना है। फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अगर आपको स्टेप बाई स्टेप समझ में ना आ रहा है, इस तरह समझ में ना आए, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे CMD को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जावा सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं, इसका मतलब है कि पाथ यहाँ पर हमारा सेट हो गया है प्रॉपर। अगर सेट नहीं हुआ है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और एरर आएगा। तो यहाँ से सेट हो जाने के बाद अब यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर हमें एंड्रॉयड स्टूडियो पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड स्टूडियो का स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे यूजर कंट्रोल, यहाँ पे यूजर अकाउंट कंट्रोल है, इस पर एस पर क्लिक कर देना है। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, और जो यहाँ पे ब्राउज करके भी इसका पाथ यहाँ दे सकते हैं, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन, इसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, नेट की स्पीड से इंस्टॉलेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने नेट की स्पीड को काफ़ी फास्ट रखना है, और जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व भी करना होता है, ठीक है। तो अगर आपकी नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, और यहाँ से कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिनिश हो गया, इसके बाद से रिफ्रेश कर देंगे, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर पहले से कोई एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया है तो उसे यहाँ कर लेंगे, लेकिन बेटर यही रहेगा आप नीचे वाले पे क्लिक कर दें। अब कोई भी इम्पोर्ट नहीं करना है, इसलिए नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो मेरा सेटअप है, ओपन हो रहा है, यहाँ पे डोंट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद इसमें जो कुछ फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, और आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, कस्टम है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कस्टम कर दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ब्लैक और वाइट है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देना है, जैसा है उसे रहने दीजिए, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे भी नेट की स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, और यहाँ पे भी फाइल्स होती है, बहुत सारी फाइल्स यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी फाइल से इंस्टॉल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो आपको नेट की स्पीड को बहुत अच्छे से रखना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप का एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। मेरा 3.6.3 लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे इम्पैक्ट एक्टिविटी ले लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पैकेज का नेम है, तो पैकेज का नेम आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिनिमम SDK है, लैंग्वेज यहाँ पे दो लैंग्वेज यहाँ पे रहता है, कोटलिन और जावा का, तो यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे API लेवल, जो भी API लेवल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाता है। और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट सारा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। कोई भी एरर आता है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर लेंगे।